तो G7 और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए रशियन ऑयल पर $60 के प्राइस का मेकानिज्म को काउंटर करने के लिए रशिया ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा है और वो है प्राइस फ्लोर। अब हम ये जानते थे कि G7 कंट्रीज के मुताबिक जो भी देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करेगा उसे $60 पर बैरल पे करना होगा, उससे ज्यादा वो पे नहीं कर सकते। अब रशिया का प्राइस फ्लोर का मतलब ये है कि वो भी अपने ऑयल के ऊपर एक फिक्स प्राइस सेट कर देंगे और उससे कम वो भी अपना तेल किसी को नहीं बेचने वाले, या फिर एक फिक्स डिस्काउंट रेट होगा, उससे ज्यादा वो अपने ऑयल पर डिस्काउंट नहीं देने वाले। अब ये प्राइस और डिस्काउंट कितना होगा ये उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया है। अब इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट के हिसाब से वो इस प्राइस या फिर डिस्काउंट को रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे। अब रशिया का इस तरीके का स्टेप लेने का पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, जो भी देश अभी तक रशिया से कंटिन्यू ऑयल परचेस कर रहा है लाइक इंडिया और चाइना, उनको किसी भी प्रकार के प्रेशर फेस ना करना पड़े प्राइस कैप को लेकर, इसलिए रशिया ने इस तरीके का एक मेकानिज्म सेट किया है। और इससे पहले पुतिन ने एक शैडो फ्लीट तैयार करके रखा है जिसमें 100 से ज्यादा ऑयल टैंकर आज रशियन ऑयल को अलग अलग देशों में पहुंचा रहा है। अब आपके हिसाब से क्या रशिया का ये स्टेप ठीक है प्राइस कैप को काउंटर करने के लिए? कमेंट्स में बताना जरूर।